ये करिश्माई काम आपने किया है। मैं 2018 के चुनाव में भी त्रिपुरा आया था, जब त्रिपुरा 2018 के चुनाव में आया था मेरा रोड शो भी हुआ था। रोड शो में जनता का जो उत्साह हमको देखने को मिला था उससे मेरा भरोसा यह पक्का हो गया था कि अब त्रिपुरा में सीपीएम की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जीरो थी उसको हीरो बना दिया और आपने देखा उसके बाद से सुराज, एक अच्छा राज, एक अच्छी हुकूमत विप्लव देवी के नेतृत्व में आपको मिली हो। अब से यहां पर मानिक शाह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मानिक शाह जी के नेतृत्व में भी किस तरीके से हमारे त्रिपुरा राज्य का विकास हो रहा है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इसे अच्छी तरह समझते हैं। राज तो बराबर बदले, लेकिन राज बदलने के बाद जो सुराज आना चाहिए, अच्छा राज्य आना चाहिए, जनता की सेवा करने वाली जो हुकूमत आनी चाहिए वह त्रिपुरा को नहीं मिली थी। 2018 के बाद जाकर इस त्रिपुरा में सुराज आया है बहनों भाइयों, अच्छा राज्य आया, जनता की सेवा करने वाली यहां पर सरकार आई है। मकानों का जहां तक मैं त्रिपुरा राज्य में आता था मैं देखता था कि बहुत सारे लोग झोपड़ी लगाकर अपनी वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों को मैंने देखा था कि बच्चे ढिबरी जलाकर, मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर लालटेन के नीचे वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। हालात बदल गए, अब सभी जगह आपको बिजली भी देखने को मिलेगी। सीपीएम लंबे समय तक उसने त्रिपुरा में हुकूमत किया है, सीपीएम कहती थी हम गरीबों की सरकार है, हम मजदूरों की सरकार है, हम कामगारों की सरकार है। बहन भाइयों, सीपीएम न गरीबों की सरकार थी, न कामगारों की सरकार थी, न मजदूरों की सरकार थी। इन लोगों ने त्रिपुरा की राज्य की जनता का शोषण किया। त्रिपुरा राज्य का जैसा विकास करना चाहिए त्रिपुरा का विकास इन्होंने नहीं किया, इसीलिए त्रिपुरा की जनता ने उन्हें पलट दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है मेरे बहनों भाइयों, त्रिपुरा राज्य नॉर्थ ईस्ट का नंबर एक का राज्य बनकर रहेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आज पहले त्रिपुरा राज्य में बिजली पैदा नहीं होती, अब त्रिपुरा राज्य में बिजली भी पैदा हो रही है और केवल त्रिपुरा राज्य के लोगों को ही बिजली नहीं मिल रही है बल्कि हम बांग्लादेश को भी बिजली देने का काम यह त्रिपुरा राज्य कर रहा है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो त्रिपुरा राज्य को जाता है। मैंने यहां की माताओं बहनों को देखा दूर दराज से जाकर घड़ा भरकर सिर पर रखकर वह पानी अपने घरों में लाती थी, पाइप के द्वारा उनके घर में पानी नहीं पहुंचता। लेकिन 5 वर्षों के अंदर यह परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा, अब लोगों के घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंच रहा है, पाइप दबाकर लोगों के घरों में पहुंच रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अधिकांश घरों में पाइप के द्वारा अब लोगों के घरों में पानी पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि हुआ है तो आवाज कीजिए, तोड़ से और हाथ उठाइए। पहुंचा है लोगों के घरों में पाइप का। और मैं यह भी विश्वास दिलाकर लाना चाहता हूं चुनाव बार बार होंगे, जो मैं कहूंगा बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी जो कहती है चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े अपने वह वचन को पूरा करती है। जिन घरों में आज तक पानी नहीं पहुंचा उन घरों में पानी पहुंच कर रहेगा बहनों भाइयों, और 2024 तक जो घर बचे होंगे उन घरों में भी पाइप दबाकर यानी पाइप के द्वारा पानी पहुंच कर रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहां कनेक्टिविटी का जो अभाव था, संपर्क मार्गों का जो अभाव था, आज उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं तो कहता हूं त्रिपुरा को हीरा मिल गया, त्रिपुरा को हीरा मिल गया, हीरा HIRA, हीरा का मतलब यच से हाईवे मिला है, आई से
इंटरनेट वेज मिला है, आर से रोड्स और रेलवेज मिला है, और ए से हीरा में अंत में ए आता है, ए से एयर वेज मिला है। यह सारी सुविधाएं त्रिपुरा राज्य को देने का काम यानी किसी सरकार ने किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसीलिए मैंने कहा कि त्रिपुरा राज्य को हीरा मिला है। त्रिपुरा की जो कुछ भी जनता यहां पैदा करती है उसको त्रिपुरा से बाहर ले जाकर अगर आप बेचना चाहते हैं तो वस्तु की सुविधाएं भी हमारी सरकार मुहैया करा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।